ओके सर, ओके 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 एक ही गाओ। और इस जंग को जीतने के लिए आप जो देश पर क्या, और आज भी जब किसी मुद्दे से ध्यान भटकाना हो देश का, तो वो चीजें जिसके अंदर जो हालत है जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हो कि बदतर से बदतर हालत है। इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होगा, 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो 3 साल में राजीव गांधी जी जो हमारे जिन्होंने भारत का नेतृत्व भी यहाँ पे किया बतौरे प्रधानमंत्री और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए भी आज हम उनको याद करते हैं कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे 40 साल की उम्र में भी, वो कितने दूरंदेशी थे। आज के 21वीं सदी में जहाँ पे प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, हर एक फील्ड में उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे हो, कितनी ही यूनिवर्सिटीज उनके नाम से खोली गई, कितने ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो। तो राजीव गांधी जी का सपना था कि हर एक अवाम की खिदमत करने के लिए वो नए नए कुछ चीज़ें साथ के यहाँ पे लाए। उन्होंने लाइसेंसी राज यहाँ पे ख़त्म किया कि कोई भी कारपोरेट सेक्टर में सब्सिडी के माध्यम से अपने आप को वो अपने पाँव पे खड़ा यहाँ पे हो पाए। तो उस सबसे बड़ी जो उनकी खूबी यहाँ पे थी कि वोटिंग एज जो राइट था नौजवानों का, उसको एज को कम करके ये लोगों को जिम्मेवारी दी नौजवानों को, ताकि वो भी भारत के निर्माण में अपना योगदान कर पाएँ। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो वाकई वो समझते थे कि अगर भारत को मजबूत करना है तो देहातों में रहने वाले लोग, उसके लोगों की आवाज़ को भी बुलंद करने के लिए ये पंचायती राज सिस्टम जो हमें दिया, आज सब चीज़ों को लेके कई जगह पे आज कमी महसूस करती है। जब लोग कंपेयर करते हैं वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 40 साल का जिसने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया, और अंत समय में जब वीरभूमि में उनका संस्कार हुआ तो 66 से ज़्यादा मुल्क के लोगों ने शिरकत की, ये उनकी खूबी थी, ये उनकी शोभा थी जो उनके कारनामे थे जिनके माध्यम से आज भी हम फख्र महसूस करते हैं।